आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिवराज शास्त्री कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में जहाँ दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट जुलाई से कैलकटा यूनिवर्सिटी के अंदर में जितना भी कॉलेज है वो तमाम कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गया है तो इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग शिवानाथ शास्त्री कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इस कॉलेज में एडमिशन के लिए तो आज के वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे कि शिवनाथ शास्त्री का एडमिशन प्रोसेस क्या है तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ये एक गर्ल्स कॉलेज है तो अगर आप गर्ल्स हो और इंटरेस्टेड हो इस कॉलेज में एडमिशन के लिए तो आप ले सकते हो क्योंकि दोस्तों फर्स्ट जुलाई से एडमिशन शुरू हो गया है दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शिवनाथ शास्त्री कॉलेज के नंबर ऑफ सीट्स के बारे में तो आपको स्क्रीन में नज़र आता होगा तो यहाँ पे दोस्तों बी ऑनर्स के लिए यानी फोर इयर्स का ऑनर्स के लिए जो सीट है आपको पहले यहाँ पे नज़र आ, आ गया है ऊपर में दिखा रहा है बी कॉम बंगाली इकोनॉमिक्स एडुकेशन इंग्लिश जोग्राफ़ी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कितना नंबर ऑफ़ सीट है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बी में और बी में बी में और बी और बी जनरल में जो है वो सीट बांटा हुआ है तो आपको बता दें यहाँ पे बी है बी ऑनर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे दिया हुआ है बंगाली इंग्लिश हिस्ट्री एडुकेशन और पॉलिटिकल साइंस बी ए में ये सब सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा फोर ईयर्स का ऑनर्स के लिए बी एस सी में आपको यहाँ पर सिर्फ इकनॉमिक्स और जोग्राफ़ी मिलेगा बी कॉम में यहाँ पर अकाउंटेंसी आपको मिलेगा और बी ए और बी एस सी जर्नल है यहाँ पर जो थ्री ईयर्स का अभी कोर्स है एम डी सी जिसका नाम दिया गया बी कॉम जर्नल आपको यहाँ पर नहीं है और सबका नंबर ऑफ़ सीट भी आपको दिखा रहा है कि जनरल कैटेगरी का कितना सीट है एस सी का एस टी का ओ बी सी ए का ओ बी सी बी का सबका नंबर ऑफ सीट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है अगर हम लोग बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में किसी वना शास्त्री कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है तो दोस्तों यहाँ पे वो भी दिया हुआ है कि जो वेस्ट बंगाल या सीबीएसई या आईसीएस बोर्ड से आए हैं उनका फ़ीस कितना होने वाला है और बाकी अदर बोर्ड का जो फ़ीस है वो कितना है बी कॉम ऑनर्स के लिए फ़ोर ईयर्स का ऑनर्स uh, का कितना फ़ीस है बी ऑनर्स का कितना फ़ीस है बी ए जिन लोगों का जोग्राफी रहने वाला है उन लोगों का, का कितना फ़ीस है जोग्राफी ऑनर्स का इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कितना फ़ीस है तो जितना भी फ़ीस जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें कि शिवनाथ शास्त्री कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो दोस्तों एकदम सिंपल क्राइटेरिया है जिस सब्जेक्ट पे भी आपको ऑनर्स करना है उसमें जो है वो आपका फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स होना ज़रूरी है जी दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रीन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का दो का आपको दिखा रहे हैं तो नॉर्मल नौर्म, नॉर्मल से जो है वो क्राइटेरिया है कि आप जो सब्जेक्ट को ले पढ़ोगे उसमें फ़िफ्टी फ़ाइव परसेंट मार्क्स होना ज़रूरी है और आपका ओवरऑल फ़िफ्टी परसेंट चाहिए जी हाँ दोस्तों सब सब्जेक्ट में ऐसे ही है कि ज़्यादातर कि आपको फिफ्टी फिफ्टी परसेंट जो है ओवरऑल परसेंटेज आपका एच में और जो सब्जेक्ट में आप ऑनर्स करोगे उसमें आपका फ़िफ्टी फ़ाइव परसेंट मार्क्स होना ज़रूरी है अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो अगर आप एससी या एसटी के हो तो दोनों में आपका फोर्टी परसेंट लगेगा यानी कि आपका ओवरऑल परसेंटेज भी फोर्टी होना चाहिए आप क्राइटेरिया uh, में फिट हो गए और आप जो सब्जेक्ट में ऑनर्स करोगे उसमें भी अगर आपका फोर्टी परसेंट मार्क्स हुआ तो आप एलिजिबिलि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हो आप कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि शिवानाथ शास्त्री कॉलेज का जितना भी इंफॉर्मेशन था वो आपको मिल चुका होगा अगर और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स खुला है आप कमेंट कर सकते हो या फिर दोस्तों मेरा फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आपके स्क्रीन में नज़र आता होगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है आप वहाँ पे भी मुझे बता सकते हो कि आपको एडमिशन के बारे में और क्या जानकारी चाहिए और दोस्तों आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लो ताकि फ्यूचर में जब भी कोई ऐसा नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ